से दिखाती हूँ, देख सकते हो चॉकलेट केक है। हमारा भी मतलब हम तो यहीं पे रहते हैं तो आते जाते रहते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो? करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं ना बाहर घूमने आई थी लंका पे, क्योंकि मेरा बहुत मूड हो रहा था वहाँ के पराठे सराठे मोमो खाने के। तो इमीडिएटली ना बारिश होने लगा और इतना प्यारा मौसम बन गया, तो हम सीधे बीएचयू के अंदर आ गए, क्योंकि हम मतलब जो सबसे प्यारी जगह है ना वो बीएचयू टेम्पल के अंदर है। काफ़ी अच्छी मतलब वहाँ पर वाइब आती है, तो चलो चलते हैं एंड टेम्पल के साथ साथ आपसे सारी चीज़ों को दिखाती हूँ और सारी चीज़ें इन्जॉयमेंट जो भी करती हूँ तो आपसे मिलती हूँ, तो वीडियो में बने रहना। सो फ्रेंड, आज जो है ना मौसम एकदम बहुत बढ़िया वाला हुआ था, तो हमने सोचे यार चलो बीएचयू चलते हैं एंड बीएचयू में मतलब थोड़ा घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आती है एंड बहुत अच्छा व्यू और काफ़ी मतलब अच्छी फीलिंग आती है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं घूमने के लिए और आप देख सकते हैं टेम्पल में जैसे ही मतलब इवनिंग का टाइम होता है वैसे जो बहुत यहाँ का माहौल अच्छा हो जाता है एंड जो भी यहाँ के स्टूडेंट होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इवनिंग टाइम में, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो आप देख सकते हैं मंदिर के लिए सामने हूँ एंड और सारी चीज़ें यहाँ पे जो यहाँ मतलब गार्डन वगैरह हैं मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, तो वीडियो में बने रहना। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ की नेचुरल वाइब है एंड सारा जो है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन माहौल हो चुका है। बट मैं जब समर में आई थी तो सारे पेड़ वगैरह जो थे सब सूख गए थे, वो मतलब बरसात का मौसम हो और ऐसी जगह घूमने का मौका मिलता है तो बहुत मज़ा आता है एंड मैं वीडियो में सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। मैं जो हम यहाँ पे घूमने आए थे तो मैं सोची थी आप सभी को दिखाई देती हूँ, तो चलो मैं इधर भी दिखाती हूँ आपको। जैसे मतलब ऐसे शाम होता है वैसे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो माइंड है, एक तो टेंपल है आप देख सकते हैं कि मेरे वेस्ट साइड ये टेंपल है और काफ़ी मतलब यहाँ पे जो रिलैक्स फीलिंग आती है जो मतलब पढ़ने उड़ने के लिए काफ़ी अच्छी। टेंपल में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं टेंपल में मेरा कोई ऐसा मतलब मूड नहीं था कि मैं टेंपल आऊँगी, तो इसके वजह से मैं खा पी के आ गई थी, तो मैं टेंपल के अंदर नहीं जा सकती हूँ। बट यहाँ पे जो इमीडिएटली आई हूँ तो सिर्फ मौसम के अकॉर्डिंग आए, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी खूबसूरत हुआ है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, और वहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ कुछ सीन जो है यहाँ पे थोड़ी सीक्रेट भी होती है, बट मैं वो चीज़ें आप सबको दिखा नहीं सकती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं मतलब मैं जब भी आती हूँ ना फुल इन्जॉय करती हूँ, काफ़ी इंटरटेनमेंट भी हो जाता है एंड ऑब्वियसली मैं इसके पहले फ्रेंडों के साथ आती थी। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो अंदर मधुबन पार्क है ना, तो मुझे आई डोंट नो 8 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी बीएचयू के अंदर, तो वहाँ पे गई थी ना, तो काफ़ी मेरे साथ जो कुछ यूनिक चीज़ें हुआ वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगी आप सबको जब वहाँ पे जाऊँगी। तो अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग थे एंड बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, इसके वजह से मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, हमारा भी मतलब हम तो यहीं पे रहते हैं तो आते जाते रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं गई हूँ तो आपको वीडियो में क्यों ना दिखाऊँ, तो वीडियो फुल देखा करो एंड तो यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे मतलब जो भी सारे टेंपल की चीज़ें मिलती हैं जैसे रक्षा वगैरह एंड ब्रेसलेट और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हम भी यहाँ पे आ गए थे लेने के लिए, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कोई शिव जी की चीज़ें मिल जाए, मतलब जैसे हाथ में पहनने के लिए सावन आ रहा है आप सभी को पता है, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है टेम्पल के अकॉर्डिंग, आप चढ़ा भी सकते हो एंड चुनरी वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती जो मंदिर के बाहर ऑब्वियसली होता है, एंड हम कभी भी दूर जाते हैं ना तो इन सारी चीज़ों को खरीद वरीद के मतलब घर पे भी लेके जाते हैं और लोगों को भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि मंदिर की चीज़ें हैं तो अच्छा भी रहता है
बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो यहाँ से फिर हम आ गए थे और भाई बरसात और मोमो न खाए हमारे बनारस का सबसे फेमस है। तो हम यहाँ पे आ गए और देखे यहाँ पे मोमो खा रहे थे। मोमो इतना गर्म था ना, मैं क्या बोलती, मुझे तो लगा, और देखो बरसात मौसम भी थोड़ा सा क्लियर हो गया था, उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। एंड मेरे पीछे देख सकते हो आम वाम लगे हुए हैं और आम का सीज़न चल रहा है, अभी 20 डे नियर अबाउट चलेगा। तो मेरा मोमो इतना गर्म था ना कि मेरे को लालच आ रही थी कि मैं कब खा लूँ, बट खा ही नहीं पा रही थी। बट कोई बात नहीं, खाने होने के बाद फिर अपने भाई के दुकान पे आ गई। दुकान का जो मतलब देख रेख करता है एंड इसकी ड्यूटी यहीं पे लगी हुई है और इसके ऑनर कोई और है, तो मैं इससे मिलने आई थी एंड खाना देने आई थी। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे मनी है, मतलब मेरा दिल कर रहा है इसको मतलब ऐसे निकाल दूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक देखिए एक बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप है जो यहाँ पे बहुत सारे केक वगैरह मिलते हैं। अभी आ रहा है और भी चीज़ें दिखाती हूँ इधर आओ जरा, और भी ये सब देख सकते हैं, फ्रिज में सारी चीज़ें रखी हुई है जो भी है, मतलब यहाँ पे बर्थडे की सारी चीज़ें मिलती हैं, डेकोरेशन से लेके सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं वैसे तो काम नहीं करता मेरा भाई, वो भी नेटवर्किंग एंड डिजिटली काम करता है, बट टाइम था तो मैं सोची यार कर लो। और यहाँ पे देख सकते हो सारी जो भी मतलब यहाँ पे सारे सामान ए टू जेड मिलते हैं, तो वीडियो में बने रहना, मैं सारी ए टू जेड आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ब्लैक फॉरेस्ट, बटर स्कॉच, वनीला, मतलब जो भी आप केक, पाइन एप्पल वगैरह जो भी आप खाते हो वो सारे केक यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं ऊपर से दिखाती हूँ, देख सकते हो चॉकलेट केक है एंड बहुत सारे फ्लेवर है। और यहाँ पे सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह के भी सामान अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो। और मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा भाई देख सकते हैं यहाँ पे है और ये सामान रख रहा है। एंड ये सारी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप तो नहीं है, फिर भी जो भी है अच्छी खासी मतलब चलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मैं बहुत खाती थी पहले चाय से, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ, मेरा भाई थोड़ा सा फ्री हो जाए। सो फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने भाई के शॉप से निकली ना, तो मुझे रास्ते में एक यम बाजार करके मॉल दिखा और काफ़ी अच्छा मॉल दिख रहा था। मैं बोली यार चलो अंदर चलते हैं, अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ और न्यू मॉल हो और मेरे से बच पाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि शॉपिंग करने की इतनी मैं माहिर हूँ। तो देखो अंदर मैं घुसी गई और मैंने एक सेल्फी वगैरह लिया। एंड यहाँ पर देख सकते हो सारे वही समर कलेक्शन लगे हुए हैं, आप सभी को पता है विंटर तो अभी आई नहीं, अभी समर की ही चीज़ें मिलेंगी। मैं बोली यार चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ यूनिक हो, बट कुछ नहीं यार, सेम चीज़ें ही थी। थोड़े से मुझे मतलब यहाँ पे कॉस्ट एक्सपेंसिव लगा, हो सकता है न्यू मॉल खुला है तो सारे कॉस्ट एक्सपेंसिव है, बट सारे कपड़े थे यहाँ पे समर के, लोअर टी शर्ट वगैरह, टॉप वगैरह, जो भी लेडीज़ की सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। तो चलो पूरा घूम के मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है ना, मैं दिखा देती हूँ यार, आप लोग भी आ सकते हो। देखो न्यू ओपनिंग हुई एंड यहाँ पे देखो लोअर वगैरह लगे हुए थे, कार्गो टाइप में यहाँ पे लगे हुए थे, बट सारे रेट जो थे ना थोड़े एक्सपेंसिव थे। जो लोअर मैं कहीं पर और 300-400 में लेती हूँ, यहाँ पे सीधा 600 और 500 में थे। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे गोगल, भाई गोगल मैं कितना भी लगाती हूँ मेरा पेट नहीं भरता है, मैं गोगल कलेक्शन पे आ गई और मुझे पिंक कलर ही पसंद आया। आप सभी को पता है कि लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद आता है। फिर यहाँ पे देखो सारे सामान मतलब यहाँ पे अवेलेबल लग रहे थे, यहाँ पे टॉवल वगैरह भी थे जो नॉर्मली आपको मिलते हैं सारे मॉल्स में, यहाँ पे टॉयस वगैरह लगे थे, यहाँ पे बहुत सारे पर्स भी कलेक्शन दिख रहे थे, अच्छे से न्यू ब्रांड के कलेक्शन लग रहे थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि इसके कपड़े वगैरह भी थोड़े ठीक ठाक ही थे। एंड यहाँ पे देखिए मैं जो भाई, मैं तो आपको बताने में एक नंबर की हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखिए कुछ मुझे बेड शीट वगैरह चाहिए थे, मैं इतने दिनों से बेड शीट ढूंढ रही, मुझे मिल ही नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, इसको हटाती हूँ, चलती हूँ ऊपर ऊपर आप सभी को दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे क्यूट्स के सामान थे यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे बेबी टिफिन, बेबी बॉटल, बेबी सारी चीज़ें थी उनके लिए, पॉश वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, क्योंकि हम बड़ों के लगे हुए थे भाई, तो बच्चे कहाँ पर भी जाएंगे, कहाँ उनके लिए तो चाहिए। तो आप बैक साइड देख सकते हैं उनके लिए, मतलब यहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए लगे हुए थे, दोनों बच्चों के लिए लगे हुए थे, और सारे इनके लिए भी सामान यहाँ पे सेम जो हम लोग के थे वैसे भी अवेलेबल थे। हम कोई भी एज का मतलब कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, बट हम आए थे न्यू मुझे दिखा तो मैं सोची यार आप सभी को दिखाई देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे किचन वगैरह के भी सारे सामान लगे हुए थे, हालांकि मतलब ये तो नॉर्मली हर मॉल में आपको ये किचन का सामान वगैरह तो दिख ही जाएगा, तो यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कॉकरी ही लगे हुए थे, 150 के कॉकरी थे
देखें। मैं एक बार इसका क्लियर वीडियो बना के सारे रेट बताऊंगी सारी चीज़ें, बट मैं आज आप सभी को दिखा देती हूँ कि क्या क्या लगे हुए हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे कप वगैरह, क्रॉकरी, बाउल वगैरह सब कुछ लगे थे, ए टू जेड चीज़ें लगी थी। थोड़े थोड़े कलेक्शन रखे हुए थे बट सारी चीज़ें रखी हुई थी, और बड़े ही प्यारे प्यारे सामान लगे हुए थे। थोड़े से एक्सपेंसिव थे, हो सकता है न्यू खुला है एंड मार्केट को समझते हुए अपना रेट ये लोग लगाएं। तो यहाँ पे देखिए कप वगैरह सो फ्रेंड हम रूम पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड आज ना इतना मज़ा आ गया है क्योंकि हमने रूम पे थे और धूप था, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट जैसे ही हम बाहर निकले वैसे मौसम क्लियर हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई और इतना मज़ा आ गया ना, इमिडिएटली मौसम बन गया। तो हम लोग खूब इंजॉय किए, शॉपिंग किए, खाए पिए एंड बिच्चू भी गए थे, बिच्चू के अंदर टेम्पल में गए थे तो खूब इंजॉय किए। तो जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ढेर सारा चैनल को प्यार दो एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।